सभी को मेरे नमस्कार। मैं राजेंद्र सैनी, आर कंप्यूटर्स, रामनगर सुडाल से। आज एक्सेल में हमारी क्लास है इंसर्ट में पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। हमारी क्लास है एक्सेल में इंसर्ट में पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बनाने के लिए आपके पास एक डेटा होना चाहिए। पाइवट टेबल का हम यूज करते हैं कि हमारे पास कोई बड़ी टेबल हो जिसमें कई नाम बार बार रिपीटेड हो, तो हम उस पाइवट टेबल का यूज करते हैं ताकि उसकी समरी एक टेबल बन जाए, छोटी उसका छोटा रूप बन जाए और हमें उसको बार बार उस नाम को रिपीटेड ना हो कि वो एक ही बार हमें मिल जाए और उसका टोटल और एवरेज एक जगह मिल जाए। टोटल एवरेज जो भी हम फॉर्मूला लगाना चाहें वो हमें एक ही जगह मिल जाए। तो हमने टेबल बना ली है, ये हमारी इतनी बड़ी टेबल है जिसमें कई नाम बार बार रिपीटेड है। हम चाहते हैं कि हमें इसकी समरी टेबल बना ले ताकि हमें इतनी प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई भी वैल्यू देखनी हो तो हमें एक ही वैल्यू दिख जाए। तो पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमने टेबल बनाई है, टेबल को सिलेक्ट करने के पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे और पाइवट टेबल पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो इसने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था। अगर नहीं होता है तो आपको करना है यहां से सिलेक्ट। अब जो आपको पाइवट टेबल चाहिए, जो आपकी पाइवट टेबल बनेगी, वो आपको न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए। अगर आपको न्यू पे चाहिए तो आप न्यू पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो पाइवट टेबल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जो जो आपको शो करना है। राइट साइड में जो आपके ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से आप टिक करते जाएं। जैसे मैंने नेम पे टिक कर दिया तो कोई भी मेरा नाम रिपीटेड नहीं है, सारे सभी एक ही बार है, तो मेरे टिक करते ही नेम लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में कोई भी नाम रिपीटेड नहीं है, सभी वन टाइम है। फिर मैं आगे ईयर पे क्लिक कर रहा हूं तो इसका मेरे पास टोटल आ गया। ऐसे जो जो वैल्यू मुझे लेनी है उन पर मैं टिक करता जाऊंगा और मेरे वो वैल्यू यहाँ पे शो होती जाएगी। जो नहीं चाहिए उन पर मैं टिक हटा दूंगा और यहां से वो वैल्यू शो नहीं होगी। जैसे मैंने पाइवट टेबल ऑन कर ली तो पाइवट टेबल का ऑप्शन आ गया। पाइवट टेबल का आपको नाम क्या रखना है, अगर आपके पास एक से ज्यादा पाइवट टेबल है तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो इस फील्ड का नेम क्या रखना है वो यहां से फील्ड की सेटिंग आपको चेंज करनी हो। जैसे मुझे यहां पे सम नहीं करना, एवरेज निकालना है, तो सम वाले मैंने क्लिक किया, फील्ड सेटिंग पे क्लिक किया और यहां मुझे एवरेज निकालना है तो मैंने एवरेज पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो यहां पे एवरेज शो कर दिया। मुझे एवरेज शो नहीं कराना, काउंट करना है, तो यहां से मैंने काउंट ले लिया। मैक्स चाहिए तो मैक्स ले लिया। जैसे मैंने काउंट किया तो काउंट पे क्लिक किया और ओके कर दिया तो काउंटिंग आ गई। मुझे मैक्स लेना हो तो फील्ड सेटिंग और यहां से हम मैक्स भी ले सकते हैं। जो भी वैल्यू आपको यहां पे शो करनी हो उसके अकॉर्डिंग यहां पे आप शो कर सकते हैं। अब आपको वैल्यू शो करनी हो, परसेंटेज निकालनी है, मुझे एवरेज निकालना है, टोटल पे कितना एवरेज हुआ यूपी का, महाराष्ट्र का, बिहार का, ऐसे मुझे वैल्यू एज पर परसेंटेज चाहिए। तो शो वैल्यू एज पे क्लिक करेंगे और आपको जो वैल्यू कैलकुलेशन किस पे करनी है, आपको ग्रांड टोटल पे करनी है जो आपको यहां पे शो कर रहा है डाउन साइड में। आपको यहां नहीं, इससे शो नहीं करनी, किसी कॉलम से शो करवानी है तो यहां से आप ले सकते हैं। मुझे ग्रांड टोटल के अकॉर्डिंग शो करनी है परसेंटेज और ओके कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसने मुझे परसेंटेज कैलकुलेशन कर दी कि मेरा ग्रांड टोटल 100% है, इसके अकॉर्डिंग यूपी में कितना परसेंटेज है और महाराष्ट्र में कितना है, बिहार में कितना है, राजस्थान में कितना है और गुजरात में कितना है, उसके अकॉर्डिंग इसने परसेंटेज शो कर दी। आपको ऐसा नहीं कराना है, आपको किसी कॉलम या रो से कैलकुलेट कराना है तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। रो से कराना तो रो से, और आपको किसी पर्टिकुलर एक ही स्टेट का से कैलकुलेशन करना तो परसेंटेज ऑफ पे क्लिक कर दें आप, और किस स्टेट से आपको कैलकुलेशन लेनी है वहां पर आप क्लिक कर दें और ओके कर दें, उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज को कैलकुलेशन कर देगा। एक्सपेंड, आपकी जो यूपी की वैल्यू है, आपका जो यूपी का टोटल है वो आपके कई वैल्यूज को जोड़ के यहां पे हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उसको हम एक्सपेंड करें। तो हम नेम वाले पे क्लिक करेंगे, वैसे ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अगर हम सम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। हमने नेम पे क्लिक किया, चालू हो गया। हमें एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड पे क्लिक कर दिया। हमें कौन से ईयर की इसमें वैल्यू देखनी है, 2012 की या 13 की या 14 की, जो भी आपको देखनी है उस पर टिक कर दें और ओके कर दें। ये आपको वैल्यू को शो कर देगा कि इसकी वैल्यू ये है। अगर आपको कोलैप्स करना है तो वापस स्टेट पे क्लिक करें और कोलैप्स पे क्लिक कर दें। आपको ये बटन हटाने हैं तो इसी में ऑप्शन है बटन्स, ये बटन भी हट जाएंगे। आपको ग्रुप बनाना हो किसी स्टेट का तो आप सेलेक्ट कर लें और यहां से ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक कर दें तो ये ग्रुप बना देगा। आपको अनग्रुप करना हो तो अनग्रुप कर दें।
इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो तो यहां से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली वैसे सेट कर देगा। स्लाइसर ग्राफिक पैनल आ जाए जिसपे मैं टिक करूं वही यहां पे शो करे। ये स्लाइसर आपको 2010 से ऊपर वाले वर्जन में मिलेगा, 2007 में नहीं मिलेगा, 2005 में नहीं मिलेगा। स्लाइसर पे क्लिक करें, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करें। आपको किसका स्लाइसर लेना है, नेम का लेना है तो नेम पे क्लिक कर दें, ईयर का लेना तो ईयर पे क्लिक कर दें। मुझे नेम का लेना है, मैंने नेम वाले पे क्लिक कर दिया और ओके। तो स्लाइसर हमारे पास आ जाएगा, स्लाइसर को आपको चेंज करना हो तो उस पर क्लिक करें और यहां पे आपके पास स्लाइसर का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। स्लाइसर आपको नहीं चाहिए तो उस पर क्लिक करके उसको डिलीट कर दें, डिलीट बटन से स्लाइसर चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्रेश। अगर आप अपने मेन डाटा में चेंजेस कर देते हैं, जैसे आपकी मेन फाइल है यहां पे 1, इसमें आप कोई भी चेंजेस कर दे, जैसे मैंने वैल्यू चेंज कर दी फर्स्ट की 2012 की, ये मैंने वैल्यू चेंज कर दी 2012 की। अब मेरी पाइप टेबल में जाता हूं मैं और यहां पे अभी तक वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो मुझे इसको चेंज करना है, रिफ्रेश करना हो तो पाइप टेबल पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये वैल्यू भी चेंज कर देगा और आपकी जो नई वैल्यू वो आपको शो कर देगा। चेन डाटा सोर्स पावर टेबल पे क्लिक करेंगे और चेन डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे और जो आपके पास अगर कोई दूसरी टेबल बनी हुई है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें मेरी जो टेबल बनी है वो इसकी बनी हुई है, अब मुझे मेरा डेटा सोर्स चेंज करना है, मुझे इसका बनाना है तो मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूंगा। चेन डेटा सोर्स का मतलब होता है कि आपको टेबल चेंज करनी हो, आपको अपनी शीट से, आपको शीट 1 से या शीट 2 से या टेबल 1 या टेबल 2 से, पहले आपने टेबल 1 की शीट पाइप टेबल बना रखी हो, अब टेबल 2 की आपको पाइप टेबल बनानी हो तो आप उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेकंड टेबल को मेरी सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके ओके किया तो मेरी ये टेबल चेंज हो गई। जैसे मैं इस पर टिक करूंगा मेरे नेम आ गए, स्टेट नेम आ गए और यहां पे जनवरी फरवरी जो मेरे डेटा है उस टेबल में वो यहां पे मेरे को शो करेंगे। अब ये मेरे एक सेट में है कि ए में ये है, बी में ये है, मैं चाहता हूं कि यहां से मुझे स्टेट वाइज देखना है तो मैं यहां से नेम पे टिक हटा के स्टेट पे टिक कर दूंगा। अगर मुझे नेम वाइज देखना है तो मैं स्टेट पे टिक हटा के और नेम पे क्लिक कर दूंगा तो नेम वाइज दिखा देगा। मुझे दोनों देखना हो तो मैं दोनों पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे स्टेट और नेम वाइज दोनों दिखा देगा। इनको मुझे कोलैप्स करना हो तो टिक करेंगे ए पे, ऑप्शन पे जाएंगे और कॉलैप्स पे क्लिक कर देंगे तो मुझे ऐसे शो कर देगा जैसे आपको शो करवा रहा हूं। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है आपको जो आपको डेटा दिख रहा है वो हटाना। जैसे आप क्लियर पे क्लिक कर देंगे ऑल क्लियर तो आपका सारा डेटा चला जाएगा, डिलीट नहीं हुआ है, बस यहां से टिक हट गए हैं। जैसे आप टिक ऑन करेंगे तो वापस आपको शो करने लग जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट। सेलेक्ट एंटायर पॉइंट टेबल, पॉइंट टेबल को आपको सेलेक्ट करना तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पॉइंट टेबल को नहीं ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को ही सेलेक्ट करना तो वैल्यू पे क्लिक कर दें। आपको नेम को सेलेक्ट करना हो तो लेबल पे क्लिक कर दें तो आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन आपको हटाना है तो अनेबल सिलेक्शन पे क्लिक कर दें, सिलेक्शन आपका हट जाएगा। मूव पॉइंट टेबल, पॉइंट टेबल को आपको मूव करना हो, पॉइंट टेबल को आपको मूव करना हो तो मूव पे क्लिक करेंगे और कहां आपको मूव करना है, अगर उसी शीट पे वर्कशीट पे करना है तो आप उसकी लोकेशन दे दें उसको और ओके कर दें। अगर आपको किसी और शीट पे करना है तो मूव पे क्लिक करें और यहां पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। अभी मेरी ये है 4 पे और मैंने ओके किया तो मेरी ये आगे आ गई, मतलब इससे आगे वाली पे आ गई। मुझे वापस मूव करना हो, मुझे वापस उसी पे लेना हो जिस पे मेरी टेबल है तो हम उस पे क्लिक कर देंगे, एडजस्टिंग पे क्लिक करके उस टेबल पे क्लिक करेंगे जिस पे हमें इसको मूव करना है, वहां पे हम ले सकते हैं इसको, जहां भी हम चाहें वहां पे हम इसको ले सकते हैं। मैंने यहां पे क्लिक कर दिया और ओके। समराइज ऑफ वैल्यू बाय, आपको टोटल करना है, एवरेज निकालना है, काउंट करना है, मैक्स करना है, जो भी करना है आपको यहां पे टिक करके आप कर सकते हैं। वैल्यू आपको शो करनी है वो किसी के परसेंटेज में शो करनी है, ग्रांड टोटल के परसेंटेज में शो करनी है, कॉलम के टोटल में शो करनी है, रो के टोटल में शो करनी है, किसी एक पर्टिकुलर ए बी या किसी नेम के पर्टिकुलर आपको उसको शो करना है, वो यहां से आप ले सकते हैं। आपको इसका चार्ट बनाना है तो ऑप्शन में से आप चार्ट पे क्लिक कर दें। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कौन सा चार्ट आपको बनाना है, लाइन, पाई, बार, एरिया, जैसे बनाना है आपको उस पर क्लिक कर दें और कॉलम चार्ट बना तो कॉलम पे क्लिक कर दें और ओके।
तो वही चार्ट आपके सामने आ जाएगा जिसपे आप टिक करेंगे यहाँ पे आपकी टेबल में से, तो वही चार्ट आपके सामने आ गया। ये आपकी टेबल है, ये आपकी चार्ट है। जैसे जैसे मैं टिक करूंगा वैसे वैसे मुझे शो करेगा, स्टेट पे क्लिक कर दिया मैंने तो स्टेट वाइज मेरी लिस्ट आ गई और यहां पे चार्ट भी स्टेट वाइज आ गया। मुझे नेम वाइज लेना है तो मैं नेम पे टिक करूंगा तो मुझे नेम वाइज शो कर देगा यहां पे। चार्ट को आपको चेंज करना है, चार्ट पे आप क्लिक करेंगे चार्ट का टूल आ जाएगा। चार्ट का टाइप चेंज करना है तो यहां से आप टाइप चेंज कर दें कि मुझे पाई चार्ट लेना है तो पाई चार्ट पे क्लिक कर दें तो आपका पाई चार्ट आ जाएगा। आपको चुस्ट कॉलम कॉलम टू रो करना है तो वैसे कर ले आप, जैसे भी उसकी डिजाइन चेंज करना चाहे यहां से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फिल लिस्ट। फिल लिस्ट को आपको शो करना है या नहीं करना है, अगर आपको नहीं करना है तो उस पर टिक कर दें, ये ऑफ हो जाएगी। आपको शो करनी है तो यहां से ऑन वापस ऑन कर दें। ये बटन जो आपको मैंने यहां बताए थे कि आपको कोलैप्स और एक्सपैंड में बटन चाहिए या नहीं चाहिए। फील्ड का आपको हेडर, हेडर ये रो लेबल आपको शो करना है या नहीं करना। डिजाइन, डिजाइन में आपका सब टोटल आपको शो करना है या नहीं करना, बॉटम में शो करना है या नहीं करना, वो यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ग्रांड टोटल जो भी आपको शो हो रहा है वो आपको शो नहीं करना है तो ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, तो आप इस पर क्लिक कर दें तो आपका चला जाएगा। अगर आपको शो करना है तो वापस आप ऑन कर लें। इसी तरह अगर आपका रो का भी टोटल हो रखा हो तो वो आपको शो करना है या नहीं करना, वो यहां से आप ऑन ऑफ कर लें। आपको इसका लेआउट चेंज करना हो कि मुझे इसका लेआउट चेंज करना है, आउटलाइन शो आउटलाइन फ्रॉम, तो यहां पे क्लिक कर दें तो आउटलाइन के अकॉर्डिंग शो करेगा। अगर आपको इसका शो कॉलम कौन इस तरह करना हो तो यहां से जैसे भी इसका लेआउट चेंज करना चाहे वहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको रो हेडर शो करनी है नहीं करनी, यहां पे टिक कर दें। कॉलम हेडर आपको शो करना है नहीं करना, यहां से अलग डिजाइन में। बेंडेड रो, एक रो डार्क एक लाइट। बेंडेड कॉलम आपको शो करने या नहीं करने, वो यहां से आप कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। यहां से इसकी डिजाइन या कलर चेंज कर सकते हैं आप जैसा भी आप चाहें। ये आपकी पाई टेबल की लिस्ट होती है, इन लिस्ट में आप जो भी टिक करेंगे वो यहां पे आपको शो करेगा। लिस्ट में जो आप यहां पे टिक करेंगे वो आपको यहां पे शो करेगा। इस लिस्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, यहां से आपको कैसी फील्ड लिस्ट चाहिए उस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट फिल्टर है, ये आपके रिपोर्ट फिल्टर। आपको ऐसा नहीं देखना है, आप चाहते हैं कि मैं एक ही नाम को देखूं और सभी का मुझे यहां पे मेरा ऊपर एक नाम आए और बाकी सबके यहां पे टोटल आए, तो आप इस फिल लिस्ट पे क्लिक करेंगे। फिल लिस्ट में से जिस वैल्यू को आपको फिल्टर रिपोर्ट में, आपको किसी भी रिपोर्ट को किसी भी रो लेवल के आपको फिल्टर करना हो तो आप इस उस ऑप्शन को पकड़े, उस नेम को पकड़े और रिपोर्ट फिल्टर पे लाके छोड़ दें, तो आपके ऊपर देखेंगे आप कि आपकी टेबल छोटी हो गई है। अब यहां पे आपके सभी के टोटल दिखा रहा है, पर्टिकुलर आपको एक का देखना हो तो यहां फिल्टर वाले बटन पे क्लिक करें और जिसका देखना है उसी पे क्लिक कर दें, तो आपकी रिपोर्ट फिल्टर हो गई है। आपको ऐसे देखना है तो ऐसे देख लें, अगर आपको पहले जैसे करना है तो वापस उसको ड्रैग करके रो लेवल में ले आए। आपको स्टेट वाला देखना है तो स्टेट पर टिक करें और स्टेट वाले को आप रिपोर्ट फिल्टर पे डाल दें, तो आपके सभी स्टेट के दिखा रहे हैं यहां पे। आपको पर्टिकुलर एक ही स्टेट के देखने हो तो यहां से उस स्टेट को सेलेक्ट करें और ओके कर दें। अभी आपके सभी राजस्थान की रिपोर्ट दिखा रहा है, नेम आपके अलग हो गए और फिल्टर रिपोर्ट आपकी अलग हो गई। किसी वैल्यू को आपको कॉलम में लेना हो कि मुझे इसको कॉलम में लेना है तो आप उसको कॉलम में ले सकते हैं। जैसे मुझे स्टेट वाली वैल्यू मुझे कॉलम में लेनी है तो कॉलम पे क्लिक कर दिया मैंने तो मेरी कॉलम वाइज आ गई। यहां पे ए का जो वर्किंग है वो इस कॉलम में है और इस वाले में है और यहां पे फिर यहां पे आ गया और फिर यहां पे आ गया, तो इस तरह से कॉलम में ले सकते हैं आप। कॉलम में नहीं लेनी आपको, रो में लेनी तो आप रो में ले लें, इस तरह से आपको शो कर देगा। जो भी आपके नेम होंगे यहां से एक्सपेंड आप करेंगे तो एक्सपेंड कर देगा, कोलैप्स करना है तो कोलैप्स कर लें। आपको ऊपर इसको अप एंड डाउन करना हो तो ड्रैग कर लें, जो भी आपको डाउन साइड करना हो। आपको रो लेवल में लेना हो कि मुझे स्टेट रो लेवल में चाहिए, वैल्यू लेवल में चाहिए तो वैल्यू पे ले आया तो उस तरह से वैल्यू लेवल में आपको शो कर देगा।